फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अमित राउत ब्लॉग। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं नोएडा 78 में वेद वन पार्क, जो कि पड़ता है नियर बाय जो मेट्रो स्टेशन है वो 101 का है। एक नंबर गेट में, दो नंबर गेट में आपको पार्किंग आराम से मिल जाएगी। पार्क टाइमिंग एकदम ठीक है, लेजर शो टाइमिंग 8 बजे का है, यहाँ पे 7:30 बजे लिखा हुआ है। और ये है गेट नंबर 2 से मैं एंट्री कर रहा हूँ। दोस्तों, अंदर आते ही ये पार्क कुछ ऐसा है। और यहाँ पे साइकिल, स्केट और बोर्डिंग मना है। ये हमारे जो 4 वेद हैं उनके बारे में दिखाया गया है और उनके बारे में बताया गया है। और काफ़ी अच्छा बनाया गया है। दोस्तों, ये अगस्त्य मुनि है जिन्होंने राक्षस को मारने के लिए, मतलब देवताओं को उनके अत्याचार से मुक्त कराने के लिए समुद्र का पूरा पानी पी लिया था, जहाँ राक्षस चले जाते थे, तो वही यहाँ पे दिखाया गया है, दर्शाया गया है। और ये समुद्र दिखाया गया है। आई थिंक यहीं पे लाइटिंग शो होता है जो मेरे पीछे है, और तो जैसी होगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो अभी और कुछ जानते हैं यहाँ के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं, ध्रुव देवस्य के बारे में। देखो कैसे स्टेयर बना रखी है, और ये बना रखी है यहाँ जाने के लिए, और ये बहुत ही अच्छा बना रखा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें गायत्री मंत्र लिखा हुआ है। अश्वमेघ, चलते हैं। अश्वमेघ हमने देख लिया, अब चलते हैं हम दूसरी ओर। बहुत बड़ा पार्क है ये, घूम के आपको भी बहुत मज़ा आएगा। दोस्तों, ये 16 शिष्य हैं और ये इनके गुरु, और पहले के टाइम में गुरुकुल जाना अनिवार्य होता था, मतलब सब गुरुकुल जाते थे और शिक्षा लेते थे, निःशुल्क पढ़ाई होती थी पहले के टाइम में। तो उसको दिखाया गया है यहाँ पे, बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है। गुरुकुल की तो पढ़ाई हमने ले ली, अब चलते हैं हम दूसरी ओर। ये आपको हर जगह दिखेंगे सप्तऋषि मुनि के नाम से, हर जगह लगे होंगे ये थोड़ी थोड़ी दूरी में। आइए इधर। दोस्तों, जब मंथन हुआ था तो ये सब चीजें वहां निकली थी, तो उसी को यहाँ पे दिखाया गया है। महर्षि जमतांगनी, इसके बारे में आप पढ़ सकते हो पोस्ट करके।
आप देख रहे हो ये जोन, देखो कितना अच्छा बना रखा है। पर ये बनाया क्यों है, चलो देखते हैं। और ये आई थिंक मुझे नंदी लग रही है, नंदी जी जो सबके बहुत करीब थे। कामधेनु गाय, तो कामधेनु गाय है, इसके बारे में आप पढ़ सकते हो। और ये पत्थर से इसे ना दिखाया गया है, बनाया गया है। जब अंधेरे में लाइट होती है तो ये बहुत ही अच्छा दिखता होगा। तो अब चलते हैं आगे। और यहाँ पे दिखाया गया ऋषि का, जिसके बारे में मुझे भी नहीं मालूम, बट आप यहाँ पढ़ सकते हो। दोस्तों थक गया, थोड़ी देर बैठ गया, और बैठने के बाद भी अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छा डिज़ाइन है ऊपर से पूरा यहाँ पे। तो यहाँ पे बैठने की भी सुविधा काफ़ी अच्छी है। अब चलते हैं दूसरी ओर। है ना काफ़ी अच्छा। हाँ, आके ना एक अलग ही मज़ा है। आप मेरे पीछे देखोगे, देखो स्टेडियम, पूरा स्टेडियम मज़ेदार वाला, और सबके सब बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं। तो चलो स्टेडियम के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कैसा दिखता है नज़दीक से। दोस्तों ये 7 स्तंभ हैं जो सत ऋषि मुनि को दर्शाए गए हैं, और ये पूरा स्टेडियम। ये बीच में बहुत अच्छा स्टेज बना रखा है, जो हमारे फाउंटिंग और वो स्टेडियम के बीच में है, और यहाँ पे लोग एंजॉय कर रहे हैं काफ़ी। और जैसे जैसे रात हो रही है ना, एक अलग ही मज़ा आ रहा है यहाँ पे, बहुत ही मस्त और ठंडा ठंडा, जो आपके ये फाउंटेन के फुहारे के जो आ रहे हैं, हल्की हल्की पानी की बरसात, अलग ही मज़ा आ रहा है। Thank you.
यहाँ पधारे समस्त आगंतुकों का हार्दिक स्वागत है। चेष्टा की गई है परमपिता परमात्मा की पवित्र वाणी है जो सृष्टि के प्रारंभ में मानव मात्र के कल्याण के लिए अग्नि वायु आदित्य अंगिरा इन चार ऋषियों के पवित्र अंतःकरण में उद्भूत हुई। तत्व ज्ञान की दृष्टि से वे एक है किंतु विषय विभाग की दृष्टि से इसे चार भागों में बांटा गया है ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में ज्ञान का विषय यजुर्वेद में कर्म का विषय सामवेद में उपासना का विषय और अथर्ववेद में विज्ञान का विषय है। विश्व साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ वेद है। मानव जाति के प्राचीनतम ग्रंथ होने के कारण उस समय की सभ्यता संस्कृति आचार विचार और कर्तव्य कर्तव्य आदि को जानने का स्रोत वेद है। भारतीय दर्शन साहित्य ललित कला संगीत ज्योतिष ज्ञान विज्ञान वेदों में है। वस्तुतः वेद संसार के समस्त पदार्थों का बोध कराते हैं। वेद के भाष्यकार आचार्य सांगर कहते हैं इष्ट की प्राप्ति एवं अनिष्ट के परिहार के अलौकिक उपाय को बतलाने वाले ग्रंथ वेद हैं। सबके द्वारा पूजनीय और यजनीय परमात्मा से ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद भारद्वाज अत्रि गौतम अगस्त्य वेदों में अनेक ऋषिकाओं का भी उल्लेख है। इन ऋषियों की परंपरा का अनुपालन करने वाले ऋषियों ने भी इन्हीं नामों को धारण किया है। आज विश्व में जिन आविष्कारों का श्रेय पाश्चात्य जगत द्वारा लिया गया है उसे हमारे प्राचीन ऋषियों द्वारा तथ्य सहित हजारों वर्ष पूर्व प्रमाण सहित वेदों में उल्लिखित किया गया है। यह पृथ्वी घूमती है अपनी माता अंतरिक्ष के सामने रहते हुए सूर्य रूपी पिता की परिक्रमा करती है। पृथ्वी क्ष सूर्य शोषण की प्रदक्षिणा करती है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बल्कि अति शूद्र आदि सभी लोगों के लिए देता हूँ। इसलिए अपने बीच किसी को भी असमान न समझो किंतु सभी विद्वानों के प्रिय बनने और सभी लोगों को दान देने का यत्न करो और सदा सभी की समृद्धि की कामना करो। Thank you.
हेलो फ्रेंड्स, तो आप यहाँ कभी भी आएँ तो लाइट शो जरूर देखना, बहुत ही अच्छा है। वेदों के बारे में बताया गया है, सप्तऋषि मुनि के बारे में बताया गया है, और ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेट मिलता है और मैं ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लेके आता रहता हूँ। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।